दोस्तों दीपक चौरसिया का तो आप लोग जानते ही होंगे, ये पहले न्यूज़ स्टूडियो में बैठकर बीजेपी के लिए बैटिंग किया करता था, लेकिन आजकल ये वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में भी के लिए बैटिंग करने आता है और न्यूज़ स्टूडियो के लिए ये चहेता वरिष्ठ पत्रकार बना हुआ है। एक डिबेट के दौरान इसका सामना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से हुआ, तो अनुराग भदौरिया ने इसका नशा उतार दिया। देखिए इस वीडियो में, आप नासिक हार गए, चित्रकूट हार गए, रामेश्वरम हार गए, प्रभु राम के नाम पे आप राजनीति कर रहे थे, प्रभु राम ने आपको नकार दिया, बोले नहीं हमारे नाम पे राजनीति नहीं होगी। अगर आपको करना है राजनीति तो हमारे बच्चों के विकास की बात करो, हमारे बच्चों के लिए क्या आपने सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने की बात करो, जिस पे आपने बात नहीं की। अब हार गए तो किसे हार रहे हो? गजब बेइज्जती है। कसम वादे प्यार वफा सब बातों है बातों का क्या। ये देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसके बारे में पूरा देश समझ रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि आपको ये गाना अनुराग भाई आपने खुद इंडिया एयरलाइंस के लिए गाया है। मैं कारण उसका बता देता हूँ, सुन लीजिए। ये गाना आपने इंडिया एयरलाइंस के कारण गाया। मैंने कहा बहुत अच्छे गाना गाते हैं, मुझे पता है आप एक संगीतमय परिवार से आते हैं, आपके यहाँ सब संगीत की साधना करते हैं, लेकिन ये गाना आपने इंडिया गठबंधन के लिए गाया है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। आपने अभी अभी कर्नाटक में 3 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है और 3.5 रुपए डीजल का दाम बढ़ा दिया। ये इंडिया एयरलाइंस ने किया है तो आपको अब हो गया आपको धोखा दे दिया आपने। अब हो गया तो मैं अपनी बात दे दिया। ओके दीपक जी जवाब दे रहे हो, रुक जाइए, बैटिंग कर रहे हैं आप, बेवजह बैटिंग कर रहे हैं, भगवान का धोखा दे दिया। अरे आउट हो चुके हैं, कहां बैटिंग मार रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, आउट दे दिया अनुराग भदौरिया, प्रेम से ओके अगेन किए जा रहे हैं भाई, उस रन का कोई मतलब नहीं है जहां आउट दे दिया हो। जब आउट दे दिया जाता है उसके बाद पिच पे दौड़ने से कोई फायदा नहीं है दीपक जी, गजब बेइज्जती है। अंपायर ने आउट दे दिया, आप झूठे पिच पे दौड़ रहे लेके विकेट, कोई फायदा नहीं। आपको लग रहा है आप रन बना रहे हैं, वहां पे आप आउट हो चुके हैं, रन काउंट नहीं होंगे। मैं अपनी बात कह लूं, देखिए सवाल यह है, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ कभी भी, आप देखिए सारा डिबेट किस पे होगा, किसने क्या बोला, क्यों बार बार कर रहे हैं इस बात, पता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है, को खिसिया रही है।